एक बच्चे का लीगल स्ट्रांग है लॉजिकल स्ट्रांग है और इंग्लिश स्ट्रांग है बट जीके और क्यू टी का इतना मैटर करता है कि उन दोनों का भी स्ट्रांग होना या उन दोनों को अटेम्प्ट करना मॉक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है या क्लैट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि जीके में अराउंड थर्टी टू थर्टी टू क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में अराउंड टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आते हैं एट एन एवरेज अगर आप पकड़ लो तो फोर्टी फोर्टी फाइव फोर्टी एट क्वेश्चन को मिला के आता है अब अगर आप ये कह रहे हो कि किस को मैं ठीक से प्रैक्टिस करके न जाऊं और फिर भी मैं क्लैट क्रैक कर लूं तो यह इम्पोसिबल टास्क है नहीं हो सकता है हाँ। तो वी हैव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट वाई आर दे इम्पोर्टेंट देखो जीके एंड मैथमेटिक्स दो रीजन के कारण और इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश बहुत, बहुत पढ़ना पड़ता है जब तक आप नहीं 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 पढ़ोगे पढ़ोगे आप आप आंसर कर कर सकते CR पैसेज पढ़ोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते आपको में में कुछ चलो हमारा previous knowledge हो सकता है लेकिन again, 70 -80 आपको legal में भी पढ़ना ही पड़ेगा जब इतना ज्यादा रीडिंग सेंट्रिक हो जाते हो तो पेपर देते देते आपका ब्रेन भी धीरे धीरे टायर्ड होता है मैथमेटिक्स एंड जीके आर योर ब्रेक पॉइंट्स आप जब दो रीडिंग सेंट्रिक सेक्शंस कवर कर लेते हो तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है कि थोड़ा दिमाग को ब्रेक मिले जीके में इट्स नॉट रीडिंग आता है या तो वो आपको नहीं आता, आता है।, है। तो वो मेरे को एक थोड़ा सा पढ़ने से ब्रेक मिलता है मैथमेटिक्स अगेन आई बार पढ़ना, पढ़ना नहीं पड़ रहा है सो वाइज भी अगर देखें तो ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स वाइज अगर देखें

नाउ द आइडिया कि आपको जितना आता है आप उतना मैक्सिमाइज करोगे hmm. अपने स्कोर को एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में अगर सबसे ज्यादा मार्क्स कोई सेक्शन दे सकता है तो वो यही दोनों है वन इज नॉलेज बेस्ड अब वहां पे आप अपने ऊपर बैंक कर रहे हो मैं जितना ज्यादा अपना जीके सही करके जाऊंगा चीजें मेरे कंट्रोल में है oh. पैसेज कौन सा आ रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं hmm. है

तो भी मैं दस बारह में से 6 सात सवाल तो करके आ सकता हूँ छह सात सवाल आप मैथमेटिक्स में कर लो ट्वेंटी uh, ट्वेंटी आप अपना जीके में लेके आ जाओ गुड इनफ स्कोर है एंड उसके बाद आपके बाकी तीन सब्जेक्ट जैसा आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग है।, है तो आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे रहोगे तो ये बोथ ऑफ दीज से आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली